चील गुस्से में अपने बेटे को लेकर आती है और उसे खौलते हुए पानी में डाल देती है, जिससे उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मैं जल रहा हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, मम्मा प्लीज। लेकिन चील अपने बेटे की नहीं सुनती और वो मर जाता है। तब जंगल के पक्षी उसे देखने के लिए आते हैं, तो चील गुस्से में उन्हें भी बांध देती है। आखिर चील ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ना होगा। जंगल के पक्षी बहुत ही बहादुर थे, इन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था, क्योंकि जंगल की चील इनकी सबसे अच्छी दोस्त जो थी। चील बहन, मेरी तो यही आशा है कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे और कभी भी किसी की नजर ना लगे। हाँ मीनू, तुम एकदम ठीक कहती हो। और पक्षियों, तुम्हें पता है बाकी चीलें तो मुझ पर बहुत गुस्सा करती हैं, क्योंकि मैं तुम पक्षियों को खाने की बजाय तुमसे दोस्ती कर बैठी हूँ। परंतु सच तो यही है कि तुम सब बहुत अच्छे हो। अच्छा चील बहन, तुम्हारा ये नन्ना मुन्ना चील कब उड़ना सीखेगा? और ये बड़ा होकर कहीं हम पक्षियों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? अरे कालू कौवे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा तो अभी से जंगल के पक्षियों से दोस्ती कर बैठा है, और सबसे ज्यादा तो मीनू चिड़िया की बेटी लाड़ू चिड़िया से। जंगल में इसी तरह सब पक्षी और चील आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन चील अपने बेटे से कहती है, बेटे ये देखो, ये मैंने एक अंडा दिया है, और 1 महीने बाद इस अंडे में से तुम्हारा एक छोटा सा भाई आने वाला है। परंतु मम्मा, फिर तो आप मुझसे भी ज्यादा इसका ख्याल रखेंगी। हाँ बेटा, क्योंकि छोटे बच्चों का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है, और तुम तो अब बड़े हो गए हो, इसलिए तुम अपना ख्याल तो खुद रख सकते हो। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तुम घोंसले में रहकर अपना ख्याल रखना। ये कहकर चील वहां से चली जाती है। बस 1 महीने के बाद तो इस अंडे से मेरा छोटा भाई बाहर आ जाएगा, फिर तो मम्मा उसी का ख्याल रखेंगी और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसका ख्याल रखने के चक्कर में मम्मा मुझे ही ना भूल जाएं, और इस तरह तो मेरा छोटा भाई मेरी सारी खुशियां छीन लेगा। इस तरह वो छोटा चील अपने आने वाले भाई से बहुत ज्यादा जलने लगता है। मेरे पास अभी बहुत ज्यादा ही समय है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा छोटा भाई अंडे से बाहर ही ना निकले। फिर अगले दिन चील अपने घोंसले में मीनू चिड़िया, कालू कौवा, तोते और पिंकी चिड़िया को बुलाती है। पक्षियों, आज मुझे अपने भाई से मिलने दूसरे जंगल जाना है, तो मैं अपने अंडे और अपने बेटे को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती, क्योंकि कहीं मेरी दुश्मन चीले मेरे अंडे और बच्चे पर हमला ना कर दें। इसलिए क्या आप में से कोई पक्षी मेरे अंडे और मेरे बेटे का ख्याल रख सकता है? चील बहन, तुम चिंता मत करो, मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे अंडे और तुम्हारे बेटे का ध्यान रखने के लिए। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, जब हम हर काम मिलजुल कर करते हैं तो हम चील के बेटे और उनके अंडे का ख्याल भी मिलजुल कर ही रखेंगे। ये बात सुनकर चील आराम से दूसरे जंगल अपने भाई के घर की तरफ चली जाती है। मीनू आंटी, जब मेरा छोटा भाई इस जंगल में आ जाएगा, तब मम्मा सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखेंगी? छोटे चील, तुम्हारा आने वाला भाई तो काफी ज्यादा छोटा होगा और तुम तो बहुत ही बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी मम्मा सबसे ज्यादा तुम्हारे आने वाले भाई का ख्याल रखेंगी। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर तो छोटा चील काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है। अरे, अगर मैंने इस अंडे का जल्दी ही कुछ नहीं किया तो इसमें से तो मेरा छोटा भाई बाहर आ जाएगा और फिर वो मेरा सारा हक, मेरी सारी खुशियाँ, सब कुछ छीन ले जाएगा। ना बाबा ना, इस अंडे का तो मुझे कुछ करना ही होगा, इसकी तो खैर नहीं। मीनू आंटी, जरा मुझे ये अंडा तो देखने दें, मुझे अपने आने वाले भाई का बहुत इंतजार है।
फिर छोटा चील अपनी मम्मा के अंडे को देखने लगता है और देखते ही देखते वो उस अंडे को उसी समय नीचे फेंक देता है, जिस वजह से वो अंडा नीचे गिरने की वजह से टूट जाता है। अरे छोटे चील, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी मम्मा का अंडा ही नीचे फेंक दिया, ये क्या किया तुमने? मीनू चिड़िया, अब क्या होगा, वो चील तो हमें अपने अंडे की जिम्मेदारी देकर गई थी। मीनू आंटी, कालू अंकल, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपके बच्चे तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं इस अंडे को नीचे फेंक कर नहीं तोड़ता तो कल को मेरा छोटा भाई मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन लेता। छोटे चिल, तुम जानते नहीं हो, तुमने अपनी मम्मा के साथ साथ अपना भी बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, तुमने अपने छोटे भाई को खो दिया है। अगली सुबह हो जाती है और चील वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अरे बच्चियो, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है और मेरा अंडा कहाँ है? चील बहन, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे अंडे का ध्यान नहीं रख सके। तुम्हारे बेटे ने अचानक से तुम्हारे अंडे को नीचे फेंक दिया, जिससे वो नीचे गिरकर टूट गया। हाँ चील बहन, हम सब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हैं, तुम हमें माफ कर दो। बच्चियों की ये बात सुनकर चील को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हाँ चील बहन, हम तुम्हारे दोस्त होकर भला तुम्हारे अंडे को क्यों तोड़ेंगे? नहीं नहीं बच्चियों, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, और अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, तुम सब बच्ची अब मेरा भोजन बनोगे। नहीं नहीं चील बहन, तुम ऐसा मत करो हमारे साथ, हम बेगुनाह हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। ये कहकर वो चील चारों बच्चियों को बांधकर वहां से चली जाती है, और वो चील उन चारों बच्चियों को पकाने के लिए एक हांडी में पानी गर्म करने लगती है। अब मैं इन सब बच्चियों को नहीं छोड़ूंगी, आज इन बच्चियों ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं इन्हें पकाकर खा जाऊंगी। बेटा तुम यही बैठो, मैं अभी इन बच्चियों को लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं यही बैठा हूँ, आप उन बच्चियों को लेकर आओ। फिर वो चील बच्चियों के पास चली जाती है। चील बहन, सिर्फ दोस्ती के ही खातिर एक बार आप मेरी बात सुन लो। ठीक है चिड़िया, मैं सिर्फ दोस्ती की खातिर तुम्हारी एक बात सुनूंगी, सिर्फ बोलो जल्दी से। फिर मीनू चिड़िया चील को सारी बातें बताने लगती है, परंतु चील मीनू चिड़िया की एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। चिड़िया तुम झूठ कह रही हो, मेरा बेटा मेरे अंडे से नहीं जलता था, भला वो ऐसा क्यों करेगा? ठीक है चील बहन, मेरे पास एक और उपाय है, जिससे आपको सारा सच पता चल जाएगा। फिर मीनू चिड़िया चील को अपना उपाय बताने लगती है। फिर चील उन चारों बच्चियों को लेकर अपने बेटे के पास आती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रही हूँ, तुम इन सब बच्चियों पर नजर रखना, कहीं ये भाग ना जाएं। मम्मा मम्मा, आप बेफिक्र होकर चली जाओ, मैं इन बच्चियों पर कड़ी से कड़ी नजर रखूंगा, ये कहीं नहीं भाग पाएंगे। फिर वो चील वहां से चली जाती है। मीनू आंटी और बच्चियों, अब आप सब आराम से मेरी मम्मा का भोजन बनोगे। छोटे चील, मैं तुम्हारे इरादों को अच्छे से जानती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मम्मा का अंडा अपने अंडे से बदल दिया था। तुम्हारी मम्मा का अंडा अभी भी मेरे घोंसले में रखा है, अब बताओ तुम क्या करोगे? तुम्हारा छोटा भाई अभी भी जिंदा है। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर उस छोटे चील को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मीनू आंटी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अभी जा रहा हूँ और जाकर उस अंडे को भी तोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को इस दुनिया में कभी नहीं आने दूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये सारी बातें पीछे छिपी चील भी सुन रही होती है, और वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मेरे ही बेटे ने मेरा ही अंडा तोड़ दिया, और मैं बेचारे मासूम बच्चियों को मारने जा रही थी। फिर चील गुस्से में अपने बेटे के पास आती है।
बेटा तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तुमने अपने छोटे भाई को मार दिया। अब मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही कभी अपने साथ रखूंगी। मैं अभी तुम्हें इस खौलते हुए पानी में डालकर मार दूंगी। ये कहकर चील उन चारों पक्षियों को खोल देती है और फिर वो सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। फिर चील गुस्से में आकर अपने बेटे को उस खौलते हुए पानी में डाल देती है, जिससे उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मम्मा प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। माँ माँ प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन चील अपने बेटे की एक नहीं सुनती और वो उसमें डूबकर मर जाता है। फिर चील वहां से चली जाती है। ये कहकर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा वो हीटर लेकर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में पेड़ के नीचे जग्गू पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। सोनू जी, ये जग्गू पक्षी इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहा है? कहीं ये हीटर इसी का तो नहीं? मीनू चिड़िया तुम यहीं बैठो, मैं जग्गू पक्षी के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ। फिर सोनू चिड़ा जग्गू पक्षी के पास आता है। सोनू चिड़े तुम्हें तो पता है ना कि मैं बहुत अमीर हूँ, परंतु मुझसे गलती से मेरी पत्नी का हीटर खो गया है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे नया हीटर दिला दूंगा, लेकिन वो तो अपना ही वाला हीटर मांग रही है। और मुझे पूरा ध्यान है कि मैंने वो हीटर इसी पेड़ के नीचे रखा था, लेकिन ना जाने मेरे हीटर को कौन चुरा ले गया। जग्गू पक्षी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा हीटर दे देता हूँ। फिर मीनू चिड़िया भी जग्गू पक्षी के पास आ जाती है। तब सोनू चिड़ा कहता है, जग्गू पक्षी ये हीटर मुझे मिला था, लेकिन ये हीटर मेरा तो नहीं था, इसलिए आज मैं इसे यहीं पर रखने आया था कि तुम मुझे मिल गए और इस हीटर के असली मालिक भी तुम ही हो। अरे वाह सोनू चिड़े और मीनू चिड़िया, तुम दोनों तो बहुत ही ईमानदार पक्षी हो, जो तुम ये हीटर मुझे वापस देने आ गए। अब मैं ले जाता हूँ इस हीटर को, मेरी पत्नी तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी, और तुम दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जग्गू पक्षी अपना हीटर लेकर चला जाता है, लेकिन मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अब उनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। मम्मा मम्मा, हमें उस हीटर से कितनी आसानी हो गई थी, लेकिन अब तो वो हीटर भी हमारे पास नहीं है। हाँ मानू चिड़े, लेकिन वो हीटर हमारा नहीं था, इसलिए हम उसे अपने पास नहीं रख सकते थे। बस तभी जग्गू पक्षी वहाँ पर आ जाता है। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत गरीब हो, और इतनी गरीबी के बाद भी तुमने ईमानदारी से मेरा हीटर मुझे वापस कर दिया। अगर तुम दोनों चाहते तो उसे बेचकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते थे, लेकिन तुमने मेरा हीटर मुझे वापस करके मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए ये मैं तुम्हें कुछ पैसे देने आया हूँ। और तुम मना मत करना, क्योंकि ये पैसे मैं तुम्हें इनाम के तौर पर देने आया हूँ। वो पैसे देकर जग्गू पक्षी वहाँ से चला जाता है। देखा मानू चिड़े, आज हमें हमारी ईमानदारी का इनाम मिला है, इसलिए तुम भी हमेशा ईमानदारी से ही काम करना। फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा उन पैसों से अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उसमें अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। नदी किनारे एक पेड़ पर मीनू चिड़िया अपना घोंसला बनाकर अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी और अपने एक बेटे राजू कौवा के साथ रहता था। ऐसे में एक दिन कालू कौवा की पत्नी गोरी कौवी उससे कहती है, कालू जी मेरी बात सुनो, जल्दी मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ गोरी कौवी, कभी तुम अच्छी खबर भी सुना दिया करो, कि हर बार तुम बुरी खबर ही सुनाती हो। कालू जी, अपना बेटा बाहर खेल रहा था कि तभी अचानक से वहाँ वो दुष्ट चील आ गई और अपने राजू बेटे को उठाकर ले गई। अब पता नहीं वो हमारे बेटे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी से उसके घोंसले में चलो,
हम दोनों चलते हैं, नहीं तो वो हमारे बेटे को मारकर खा जाएगी। अरे अब मैं इस खूनखार चील से अपने बेटे को कैसे बचाऊंगा? गौरी तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाता हूँ और उस दुष्ट चील से बात करता हूँ कि वो हमारे बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये कहकर कालू कौवा तुरंत ही उस दुष्ट चील के पास जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है, चील बहन रुक जाओ, आप मेरे बेटे को मत खाओ, ये मेरा इकलौता बेटा है। कालू मेरा नाम चील है और मैं अपने शिकार को ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं इसके साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगी। चील बहन मैं तुम्हें चिड़िया के दो मुलायम मुलायम बच्चे लाकर दे दूंगा, तुम उन्हें खा लेना पर तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। दो दो चिड़िया के बच्चों की बात सुनकर तो उस चील के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है, ठीक है कालू कावे तो तुम जाओ, पहले तुम चिड़िया के दो बच्चों को लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी। फिर उसके बाद कालू कौवा चिड़िया के दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मैंने चील को बोल तो दिया है कि मैं उसे दो दो चिड़िया के बच्चे लाकर दूंगा, परंतु मैं उसे दो दो चिड़िया के बच्चे कहाँ से लाकर दूंगा। तभी कालू कौवा की नजर मीनू चिड़िया के दो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर पड़ती है। अरे ये तो मीनू चिड़िया के बच्चे हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन्हें ही चील के पास ले जाता हूँ, और वैसे भी ये बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मीनू चिड़िया भी अभी घोंसले में नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं इन्हें ही उठा कर ले जाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा तुरंत उन बच्चों के पास आता है और वो उन दोनों बच्चों को अपने पंजों में फंसाकर वहां से ले जाता है। ये सब दूर पेड़ पर बैठा मिट्टू तोता देख लेता है और वो कहता है, अरे ये कालू कौवा मीनू चिड़िया की दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर कहाँ गया है, और अभी मीनू चिड़िया भी घोंसले में नहीं है, वो तो भोजन लेने के लिए बाहर गई है, जरूर कोई ना कोई बात है, मैं अभी जाकर मीनू चिड़िया को सारी बात बताता हूँ। ये कहकर मिट्टू तोता मीनू चिड़िया के पास जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है, अरे मीनू चिड़िया मेरी बात सुनो, कालू कौवा तुम्हारी दोनों बेटियों को अपने पंजे में फंसाकर कहीं लेकर गया है, वो जरूर तुम्हारी दोनों बेटियों को चील के पास लेकर गया होगा। अरे बाप रे, मैंने इस कालू कौवे का क्या बिगाड़ा है जो ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। अगर ये मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया होगा तो चील तो मेरे बच्चों को खाई जाएगी, तोते अब मैं क्या करूं? वैसे भी वो चील तो हर समय हमारे जंगल के पीछे ही पड़ी रहती है। मीनू चिड़िया अगर तुम उस चील के पास अकेली जाओगी तो वो तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी खा जाएगी। तोते मैं किसी चील से नहीं डरती हूँ, और वैसे भी अभी तो मुझे अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया उस दुष्ट चील की गुफा की तरफ चली जाती है। अरे कालू कौवे तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है, चिड़िया के ये नन्हे नन्हे बच्चे लाकर अब मैं इन्हें खाने ही वाली हूँ। चील बहन अब तुम इन चिड़िया के बच्चों को खा लो और मेरी और मेरे बेटे की जान छोड़ दो। दुष्ट चील मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ जाती है और कहती है, चील बहन मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें और इस कालू कौवे को सबक सिखाने आई हूँ। अरे अब ये छोटी चिड़िया मुझ जैसी बड़ी चील को सबक सिखाएगी? चील बहन अगर अभी की अभी तुमने मेरी दोनों बेटियों को मुझे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारी इस गुफा को तोड़ दूंगी, और कालू कौवे मैं तुम्हारे राजू कौवे को भी मार दूंगी। मीनू चिड़िया अब तुम बस भी करो, तुम गुस्से में क्या कुछ बोल रही हो, तुम जानती हो ना कि अगर तुम इस चील के करीब आई तो ये तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी मार कर खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कालू कौवे। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है
और थोड़ी देर बाद वो जलती हुई एक आग की लकड़ी लेकर वहाँ आती है और चील से कहती है, चील बहन अब तुम जल्दी से मेरी दोनों बेटियों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी इस गुफा में आग जला दूंगी, फिर तुम इसमें जलकर राख हो जाओगी। अरे मीनू चिड़िया, अगर तुम इस पेड़ में आग लगा दोगी तो तुम्हारे दोनों बच्चे और तुम भी जलकर राख हो जाओगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कौवा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये चील तो मेरे दोनों बच्चों को मारकर खाई जाएगी। इससे बेहतर तो यही है कि मैं यहाँ पर आग लगा देती हूँ, जिससे मैं भी यहाँ जलकर मर जाऊंगी। चील बहन, तुम इस मीनू चिड़िया की बातों का यकीन मत करो, ये झूठ बोल रही है, ये कभी भी इस गुफा में आग नहीं लगाएगी। कालू कौवा के ऐसा कहते ही मीनू चिड़िया आग की लकड़ी को नीचे छोड़ देती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। चील को तो आग से बहुत डर लगता था, इसलिए वो वहाँ से उड़कर भाग जाती है और उसके पीछे कालू कौवा भी भाग जाता है। उसे तो ये भी याद नहीं रहता कि उस गुफा में उसका बेटा राजू भी है। आग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, मुझे जल्दी से अपनी दोनों बेटियों की जान बचानी होगी, परंतु यहाँ पर तो ये कालू कौवा का बेटा भी है, ये कितना मासूम है, मैं इसे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, इन तीनों को तो मैं एक साथ नहीं ले जा सकती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया को सोच रही होती है कि तभी उसकी नज़र वहाँ पास में रखी एक टोकरी पर पड़ती है। उसे देखकर मीनू चिड़िया तुरंत वहाँ आती है और फिर वो तीनों बच्चों को उस टोकरी में बिठाकर वहाँ से अपने घर की तरफ ले आती है। शुक्र है कि तीनों मासूम बच्चों की जान बच गई, नहीं तो वो दुष्ट चील मेरी दोनों बेटियों को मारकर खा जाती। मीनू चिड़िया, अब से तुम कहीं पर भी भोजन लेने जाओ तो मुझे बताकर जाना, मैं तुम्हारे घोंसले में रहकर तुम्हारी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगा, तुम अब से इन्हें कहीं पर भी अकेले छोड़कर मत जाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, चलो अब मैं राजू कौवे को इसके घर छोड़ आती हूँ, क्योंकि गोरी कौवी तो अपने बेटे के लिए बहुत रो रही होगी। मीनू चिड़िया, वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा कि कालू कौवा ने तुम्हारी दोनों बेटियों की बलि चढ़ाई थी और फिर भी तुमने कालू कौवा के बेटे की जान बचाई है। मैं उस कालू कौवा की तरह नहीं हूँ कि मैं इस मासूम बच्चे को उस जलती हुई आग में छोड़कर आती। वहीं दूसरी तरफ जब कालू कौवा घर आता है तो उसे याद आता है कि वो अपने बेटे राजू कौवा को तो उसी जलती हुई आग में छोड़ आया है। कालू जी, तुम तो मेरे बेटे राजू कौवे को लेने गए थे, कहाँ है मेरा राजू बेटा, बताओ जल्दी कहाँ है। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बात बताता है कि वो अपने बेटे को उस जलती आग में छोड़ आया है। कालू कौवी, ये तुमने क्या कर दिया, तुम अपने बेटे को उस जलती आग में छोड़कर कैसे आ सकते हो। गोरी कौवी, मैं काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए मैं राजू कौवा को वहाँ से लाना ही भूल गया हूँ। कालू जी, तब तो मेरा बेटा उस आग में जलकर मर गया होगा, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अभी के अभी जा रही हूँ अपने मायके। नहीं नहीं गोरी, राजू कौवा तो हमें छोड़कर चला ही गया है, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ गोरी। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी मीनू चिड़िया उसके बेटे को वहाँ लेकर आती है। कालू, तुम खुद घर सो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हारे बेटे की भी जान बचा ली है। राजू कौवा को देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे को बचाने के चक्कर में तुम्हारी दोनों बेटियों की बलि चढ़ा रहा था। बस करो कालू कौवे, तुम हर बार कोई ना कोई गलती करके मुझसे माफी ही मांगते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और न ही कभी तुमसे बात करूंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने घोंसले में आकर
अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करने चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि सोनू चुड़ा को किसका हीटर मिला था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।